हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम नोजिंग बनाना सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हैंडमेड ज्वेलरी या फिर क्राफ्ट की वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं नोजिंग बनाना। तो यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल लिया है। यहाँ पर मैंने रिंग ली है गोल्डन कलर की, स्टोन चेन ली है गोल्डन कलर की, इयर रिंग हुक लिया है, और यहाँ पर मैंने जंप रिंग ली है, और छोटा सा मैंने डायमंड कुंदन लिया है, और यहाँ पर मैंने पर्ल चेन ली है। तो सबसे पहले जो हुप है, मतलब जो रिंग है, इसको हम आधा आधा कट कर देंगे, क्योंकि जो नोज रिंग है हम वो छोटी वाली बनाएंगे, इसलिए हम ये जो हुप है इसको हम छोटा कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ये आई पिन भी ली है जिससे हम पिन बनाएंगे। और तो सबसे पहले अभी जो आई पिन है इसको हम कट कर देंगे। और ये जो पिन है इसका जो फ्रंट वाला जो मुंह रहता है उसको हम थोड़ा घुमा देंगे, और फिर इसको हम ब्रश के ऊपर प्रेस करेंगे जिससे इसका जो शेप है वो बिल्कुल पिन की तरह आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पिन को रेडी कर लेंगे, और फिर इसको हम इस रिंग से अटैच करेंगे। तो ये जो रिंग है इसका जो मुंह है हम इसको थोड़ा घुमाएंगे और इसके अंदर पिन को डाल देंगे। इसी तरह दोनों साइड से हम करेंगे और पिन को हम इस रिंग से अटैच कर देंगे। और नोज रिंग को मैंने आर्टिफिशियल बनाने के लिए यहाँ पर पिन का यूज़ किया है, मतलब पिन को लगाया है। और अगर आप ऐसे भी पहन सकते हैं नोज रिंग को, तो आप बिना पिन के भी इसे बना सकते हैं। और जो पर्ल चेन है, पर्ल चेन को कट कर देंगे। इसके बाद जो इयर रिंग हुक है इसके अंदर हम पर्ल चेन को लगा देंगे। और इसके बाद जो पर्ल चेन है, पर्ल चेन को हम इस रिंग से भी अटैच कर देंगे जंप रिंग की मदद से। और पर्ल चेन लगाने के पहले हम ये जो कुंदन है, इस कुंदन को जंप रिंग से, जो छोटी जंप रिंग आती है उससे हम इस रिंग में इसको लगा देंगे। तो फिर ये जो स्टोन चेन है, स्टोन चेन को रिंग के साइज़ में हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम फैब्रिक ग्लू से स्टोन चेन को लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, और ये जो स्टोन चेन है इसको हम रिंग पर लगा देंगे। और रिंग पर स्टोन चेन को लगाने के बाद इसको हम थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक और ग्लू लगाएंगे, और उस ग्लू का नाम है फेविक्विक। उसका जो बड़ा वाला पैकेट आता है, बड़ी वाली जो बोतल आती है, उसका मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर, ताकि जो स्टोन चेन है वो बहुत ही अच्छे से चिपक जाए। एंड देखिए जो नोज रिंग है वो रेडी हो गई है। और अगर आपको और नोज पिन की या फिर नोज रिंग की वीडियो देखनी है, तो उसकी जो वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है, तो वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं अपने वीडियोज़ जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय।